अच्छा, और हमारे गांव में बिजली के हमारे यहाँ थे तो लट्ठा विधायक जी रामेश्वर सिंह के समय के मन में क्या चल रहा है इस बार सपा रोजगार तो कोई आज लो जितना है इससे ज्यादा सुविधा तो आज लो कोई देना सकता तो और ना तो भाषण। नमस्कार दोस्तों, मैं विषम प्रताप, आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो दोस्तों अभी मैं अलीगंज विधानसभा के एक डांडे गांव में हूँ, ग्राम पंचायत रहगांव। डांडे के लोगों में क्या माहौल है, इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोग किधर जा रहे हैं। तो ताऊ नमस्कार। नमस्कार। तो क्या लगता है ये चुनाव उनाव आ रहे हैं तो सरकार किसकी बनेगी इस बार? किसकी बनेगी? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपको आप किसको चाह रहे हैं? हम तो कोई भी वही है, आपने तो एक ही बात है हमें कहा। तो आपकी इच्छा किसमें कौन सही लग रही सरकार आपको? है? आपने तो बहुत सरकारें देखी हैं। हाँ तो भाई मोदी है के उनके दिए। सबसे अच्छी कौन सी चली है भाई? चल रही है अच्छी, योगी मोदी की। हाँ तो इसी को दोगे? हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं योगी? हाँ, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा गांव में आपको सुविधा वगैरह मिलती है जो सरकार द्वारा आती है? अरे पूरा गांव में राशन है, राशन दिखाई देते है। राशन ही दिखाई देते है? हाँ, और बढ़िया। आपको पेंशन वेंशन मिलती है कोई? हाँ हाँ मिल जाए थोड़ी सी। अच्छा थोड़ी बहुत मिल जाता है। और खेती वाले रुपए आ रहे हैं? जो नहीं आ रहे। खेती नहीं है क्या? नाम खेती नाम पर है तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं? दिखाई दे के पिछले बार को मिलते ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सरकारी पेंशन मिल रही है आपको? हाँ। तो फिर क्यों आएंगे जब भाई ले रहे हो? हाँ। आप बताइएगा क्या लगता है इस बार बदलाव होगा कि यही आएगी सरकार? यही आएगी। यही आएगी। हाँ। क्या मिल रहा है सरकार में? हर को सब चीज मिल रही है। अच्छा पहले क्या नहीं मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। है? कुछ नहीं मिलता था। आप बताएंगे अंकल जी क्या लगता है? हाँ हाँ बीजेपी को भाई सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई ना ना पूरा गांव ही एक ही है। हाँ, एक अच्छा आपका गांव पूरा एक ही तरफ है? हाँ, 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 तो कोई दूसरी पार्टी का नहीं है यहाँ पे? दूसरी पार्टी ना है गांव में, एक ही पार्टी है। एक ही पार्टी है, पूरा गांव एक तरफ है। एक तरफ। देखो हम देखते हैं लोग, शायद कोई मिल जाए। आप भाजपा के इसलिए तो नहीं कह रहे? अरे ना ना, हम तो भैया फौजी आदमी जो देश के लिए जो काम अच्छा, कर रहे हैं। फौजी है तो देश के लिए जो काम कर रहे हो तो हम अच्छा, बाकी तो, हम काम तो कर आपको रहे। क्या लगता है और सरकारें भी कई आई गई हैं, सबसे बढ़िया कौन सी चली है? जी बीजेपी। बीजेपी बस। कोई नुकसान नुकसान नहीं हो रहा है? कोई नुकसान? एक बात बताओ, लोग रोजगार का भी मुद्दा उठाते हैं। रोजगार तो कोई आज लो जितना है इससे ज्यादा सुविधा तो आज लो कोई दे ना सका तो और ना दे तो भाषण बाजी। खेती करते हैं आप? हाँ खेती कर रहे हैं। अच्छा गाय आए तो नहीं आती खेत में? गायू आए हैं, नील गायू आए हैं आज। एक बार बताओ। हाँ भैया क्या कह रहे हैं? गाय योगी जी बांध के नहीं लेके आए हैं। तो योगी जी को उनका वो समाधान तो करना चाहिए ना, लोग बहुत परेशान हैं। लोग परेशान बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरी समझ से तो बिल्कुल नहीं है परेशान। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपके इधर गांव में है नहीं गाय या फिर मतलब हमारे कोई? हमारे गांव में गाय है लेकिन वो हमारी छोड़ी गई है सबकी। अच्छा आप लोगों के द्वारा? आप लोग हमारे लोग योगी ने नहीं छोड़ी है गाय। अच्छा अच्छा। हाँ गाय तो हमारी सबकी है योगी जी। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं, आप बताएंगे भैया क्या लगता है कौन आएगा फिर? बीजेपी। बीजेपी आएगी? बीजेपी योगी। शांत रहा शांत रहा। अच्छा दोस्तों मैं अभी गांव में भी जाऊंगा, गांव में गली गली में जाके लोगों से जानकारी लूंगा आखिर गांव में क्या माहौल है। शायद यहाँ पर तो सभी लोग भाजपा के ही हैं, शायद गांव में कोई लोग एक दूसरे को देख के नहीं बोलते। हम कोशिश करेंगे पूरे गांव का माहौल जानने की कि आखिर डांडे में क्या माहौल है। तो बने ही रहेगा मेरे साथ अभी। तो राम राम अम्मा। राम राम। तो क्या लगता है चुनाव उनाव जी आ गए हैं तो अब की बार वोट किसको जाएगा? का पता कहाँ आदमी लड़का झांड रही हम। तो अभी कुछ चर्चा अर्चा नहीं चल रही है क्या घर में कहाँ जाएगा? सौ में का चुनाव। तो क्या आपको सबसे फायदा कौन सी सरकार में हुई है? सरकार में जाए में फायदा। राशन आसन मिल रहा है पूरा? हाँ मिलता है राशन पूरा मिलता है। हाँ। तो चाचा जी राम राम। राम राम। तो ये चुनाव उनाव का अब की बार माहौल कैसा है क्या लगता है? माहौल बढ़िया है। है किसका? बीजेपी। बीजेपी का है? बीजेपी का। और कोई पार्टी नहीं सही लगी? कोई पार्टी ना। और ये साइकिल है
ये जो हाथी वाले हैं इनमें कोई सही नहीं लग रहा, कोई सही नहीं, साइकिल वाले गुंडागर्दी कितनी करी है। अच्छा है, लूट खूंद करी है, भैंसियां रगड़ा, सब बंद है, सब बंद है। जो सरकार में बढ़िया तो योगी से अच्छी सरकार चला रहे, तो अब की बार दोबारा साइकिल अगर आ गई तो फिर चालू हो जाएगा, गुंडागर्दी चालू हो जाएगी, पकड़ चालू हो जाएंगी। और बढ़िया हमारे जी ने बढ़िया काम किया है आगे। अच्छा, गांव में आते जाते हैं, खूब आते जाते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा, काम सब कुछ चौकस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है काम, तो पूरा गांव एक तरफा है, एक तरफा गांव है यहाँ। अच्छा, सब बीजेपी है टोटल गांव में। देखते हैं कोई निकलता कि नहीं दूसरी पार्टी का। देख लीजिए, कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। हाँ भैया, आप किधर जा रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी में? ओनली बीजेपी। नौकरी वोकरी कुछ कर रहे हैं क्या? नौकरी तो मेहनत करेंगे, नौकरी मिलेगी अपने आप। उम्र कितनी हो गई है? उम्र तो 22 साल हो गई है। 22 ही हुई है अभी? अभी और क्या। कोई भर्ती अति ट्राई की है? भर्ती ट्राई करी, रेस मारी है। अब जब भर्ती आया, कोरोना था, अब कोरोना हटेगा, भर्ती निकलेगी। आर्मी की भर्ती देख? बिल्कुल हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि सरकार में कोई नौकरियां नहीं निकली हैं। नौकरी क्यों नहीं निकलती हैं? सरकार ने नौकरी दी है, 4.5 लाख नौकरी मिली है। अच्छा हाँ, उसके काबिलियत बनो, नौकरी मिलेगी आपको। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। आप अब ये बताइए, जो चुनाव उनाव ये आ रहे हैं, तो इस बार वोट वगैरह किसको जाएगा? मोदी को। मोदी को जाएगा? हाँ। तो मोदी ने क्या दिया है? मोदी ने सिलेंडर दिया है। हाँ। और बहुत कुछ दे रहा है, राशन। हाँ, राशन भी। हम उनसे पूछ रहे हैं, दे रहा है पैसे भी, खेती के भी। अच्छा, आ रहे हैं। हाँ। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए नाम आपका क्या है? श्यामवीर। अच्छा, तो क्या लगता है ये चुनाव की बार किधर जाएगा? ये तो बीजेपी का जाएगा, मालूम है हमारे पूरे गाँव में बीजेपी का। यहाँ से क्या लगता है, अलीगंज विधानसभा से कौन निकलेगा दोबारा से? तो मालूम जाएगा, मालूम तो आपका जहाँ जाएगा निकल जाएंगे। सतपाल सिंह? सतपाल सिंह निकलेंगे जाएगा। हाँ, ये चुनाव उनाव जो आ रहा है, तो अब की बार क्या मन में चल रहा है? बीजेपी का जाएंगे वोट। बीजेपी के दोगे? हाँ। अच्छा हाँ, जिताएंगे, जिताएंगे, जीत जाएंगे। हाँ जीतेंगे, देख लेना। अच्छा? तुम हाँ ठीक है। अच्छा, जब पूरे गांव में क्या लगता है, पूरे गांव का एक तरफा वोट जाएगा? एक तरफा। अच्छा, पूरा गाँव फूल में जा रहा है? पूरा गाँव फूल में। अच्छा, तो चुनाव उनाव का माहौल कैसा है? बहुत माहौल अच्छा चल रहा है। कोई डर तो नहीं किसी का? किसी का डर नहीं है। किसी दबाव में तो नहीं कह रहे? किसी दबाव में नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है किसका माहौल है? माहौल अच्छा योगी जी का है। योगी जी का है? और यहाँ से? यहाँ से सतपाल सिंह। अच्छा अच्छा, तो क्या फायदा क्या हुए हैं सरकार में? सरकार में हर चीज़ फायदा, बिजली आ गई और मतलब सड़क में विकास अच्छा होता है यहाँ पर। अच्छा, विकास बढ़िया हुआ है गांव में? काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म है, कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा, कोई मतलब डर नहीं है? कोई डर नहीं है। गुंडागर्दी कैसी चलती थी ये पहले? पहले चलती थी सपा सरकार में, कोई गुंडागर्दी नहीं है। सपा क्या चलता था सपा सरकार में? उदमबाजी, दंड फार, जैसे लड़कियों छेड़ना है, उदमबाजी मचाना है, सड़क में लूट मार करना है। अब ये सब बंद है? ये सब बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, क्या लगता है आपके आपको कि अब की बार सरकार किसकी बनेगी? योगी जी की। योगी जी की? और कोई क्यों नहीं, क्या और कोई किसी में भाई? इससे समस्याएं बहुत सॉल्व हुई। एक तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अच्छा, इसमें अच्छा। सर्विस विदाउट रिश्वत की लग अच्छा, रही। आपके क्षेत्र में बताइए, वो तो अलग बात है, आपके इधर क्या बदला हुआ है? हमारे गाँव में जो सी इंटरलॉक हुआ और नाली बनी। अच्छा, और अच्छा। हमारे गांव में बिजली के, हमारे यहाँ से तो लट्ठा विधायक जी रामेश्वर सिंह के अच्छा, समय सरकार में से पहले बिजली नहीं थी आपके गांव में? नहीं थी मेरे सरकार मेरे गांव। हाँ, मेरे गांव से लट्ठा आई उनके जमाने में लगने के लिए, वो यहाँ से ट्रांसफार्मर और लट्ठे सभी उठा के ले गए। लट्ठे और ट्रांसफार्मर आए थे वो पिछली सरकार में, सपा सरकार में उठ के चले गए। उठ के चले गए, डांडा है कोई गाँव दूसरा, उसमें चले गए, इसी नाम का है गाँव। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसी गाँव के लिए आए होंगे फिर? नहीं, इसी गाँव के, हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह केंद्र में और वहाँ ऊपर तो इसी सरकार में ये बिजली का काम हुआ इसी है? सरकार में बिजली का। तो उससे पहले बिल्कुल लाइट ही नहीं थी? बिल्कुल लाइट नहीं थी कोई। ये भी तो बड़ा काम है ना वैसे बिजली का, तो इसीलिए दे रहे हैं भाजपा को? इसीलिए दे रहे हैं, दो बार राशन मिल रहा है। राशन, ये राशन तो बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा तो कुछ और मिलेगा। अच्छा, अब आशा है, उम्मीद है सरकार से अच्छे की है। अच्छे, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अच्छा, हाँ, सब कुछ सही चल रहा है? सही चल रहा है, लेवल में चल रहा है। हम ये जो धरोली से आयरई के लिए गया रोड, इस पे आए दिन, अरे चलियो चलियो भाई, लूट लिया मुझे, मार डाल। जैसे आपकी विधायक जी ठाकुरी हैं और आप भी ठाकुरी, इसलिए तो नहीं कह रहे हैं? इसलिए नहीं, हम केवल ईमानदारी, हमने विधायक को भी
वोट दिया हमारे गांव के लोगों ने श्री जोगिंदर सिंह को, हमने उसमें रामेश्वर सिंह को दिया जोगिंदर, वो जिला पंचायत में हमारे उनको भी दिया था वोट, दिया था वोट, लेकिन हमारे गांव का कोई विकास नहीं किया। अच्छा, पहले आपके गांव ने इन लोगों को भी सपा को भी वोट दिया? हाँ, जाता था। कोई काम नहीं किया इन्होंने? कुछ काम नहीं किया। इसी सरकार में हुआ सब कुछ? इसी में ये सब कुछ हो रहा है। तो आपके मन में क्या चल रहा है इस बार ये जो चुनाव वनाव के लेकर? अरे चुनाव लेकर बीपी तो ज्यादा कहाँ जाए, बीपी बीजेपी से, बीजेपी के अलावा नहीं चले हैं? बीजेपी के अलावा नहीं जाओगे कहीं? अरे कहीं नहीं जाए, बीपी साइकिल आइकिल को देख ले, कहू को फूल को ही देख रहे हैं तुम? कहो तो देख लिया, वैसे तो फूल देखेंगे। अगर हम कहें साइकिल में तो दे दोगे हैं? हम कहें साइकिल में दो तो तुम कहो तो दे दिए, तो तुम लइए ना जाओ बैठेगा तो फिर क्या कहो हम? हम थोड़ा ना कहूँ नेता है, थोड़ा ना, हम तो मीडिया से हैं। अरे मीडिया के हो तो, हाँ। तो बस क्या मतलब, हम तो फूल को दोगे हैं? तो हाँ फूल को दे। राम राम, नीचे आ जाओ थोड़े। हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से। अच्छा, हम ये चुनाव वनाव की चर्चा करने आए आपके गाँव में। अच्छा, तो देख रहे हैं कैसा माहौल है गांव में आपके, तो आपके मन में क्या चल रहा है इस बार? सपा, सपा चल रही है। अच्छा, क्या सपा से और भाजपा से क्या मतलब? कोई लेन देन नहीं। अच्छा अच्छा, सपा को जाएगा, जिसके भाग्य में होगा उसे मिलेगा। अच्छा अच्छा, आप सपा सपा में वोट जाएगा? हाँ, सपा में। अच्छा अच्छा, ये बताओ चुनाव वनाव कैसा माहौल है इधर? अरे क्या बताएं, अपने मन में सो बताओ, लोगों को देख के मत बताओ। अरे हमारी जय है साइकिल, साइकिल ना है? साइकिल क्यों है, भाजपा है। भाजपा है, मन से ही बोल रहे हो? अरे यार, तो क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आएगी? मोदी की। मोदी की आएगी? और यहाँ से? हमें इतना तो मोदी की लगा। तो यहाँ से कौन विधायक कौन बन के जाएगा? सत्यपाल, सत्यपाल सिंह। तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कुछ फायदा आयदा है कि ऐसे ही वैसे बोल रहे हो? फायदा तो हमें काम से कुछ ना है। अच्छा, जब सरकार में कुछ काम ऐसे नहीं लग रहे जो अच्छे लग रहे हो, ऐसे नहीं हुए जो खराब लगा था, हमारे संग काम ने चारे आना ही कोई फायदा ना करा। अच्छा, कोई फायदा नहीं हुई है? आ, किसी ने ना सत्यकार ने कराई, कोई परेशानियां भी हुई है किसी ने कराई, किसी ने नहीं कराई। सरकार से कुछ ऐसे काम भी क्या मतलब रुके हैं कोई? एक नल के लिए भाजी भाजी के मरिए, नल नहीं दो, नल नहीं दिया है। 30,000 रुपया 5% ब्लैक नल लगवाओ। विधायक जी के पास गए थे? दिसंबर नहीं गए थे। अच्छा, तो फिर कैसे, फिर विधायक जी मदद कैसे? विधायक जी के पास गए ना, विधायक जी को वोट ना दो। अच्छा, वोट ही ना दो तो नहीं गए, इसलिए अब की बार दोगे? झूठ नहीं बोलते, अब की बार दोगे क्या? अब की बार तो समय आएगा तब, समय आएगा तब, कोई बात नहीं। राम राम। राम राम। ये चुनाव वनाव का माहौल कैसा है इस बार इधर? आप माहौल बढ़िया है, सब मोदी की तरफ है। मोदी की तरफ है सब? हाँ, सब। तो आप किधर हैं? हम तो मोदी की तरफ है। आप भी मोदी की तरफ? हाँ। है तो यहाँ से? यहाँ से सभी लोग। कौन विधायक बनेगा यहाँ से? यहाँ तो अजय है, अजय प्रधान। अरे विधायक जी कौन बनेंगे, जैसे सपा से रामेश्वर सिंह है, संत रो आप रामेश्वर सिंह नाम है ना, और भाजपा से सत्यपाल सिंह राठौर है, यही? अच्छा, यही होंगे भाजपा वाले? अच्छा, जो मन में हो भाई बताना, जो चल रहा हो है, किसी को देखे के उसमें मत कहना दबाव हुआ में, कोई दबाव ना है। अच्छा, सत्यपाल के वोट है, सत्यपाल के बिल्कुल क्लियर वोट है। अच्छा, ध्यान दे इनको। हाँ, नाम आपका? सौरभ। तो क्या लगता है सौरभ जी, सरकार किसकी आएगी इस बार? बाबा की आएगी। बाबा की? हाँ। अच्छा, क्लियर पूरे बहुमत से? पूरे बहुमत से 250+। 250+ प्लस, मतलब पहले से थोड़ी कम हो जाएगी? हाँ, 250+ रहेगा सत्ता में। अच्छा, यहाँ से विधायक जी कितने वोटों से? विधायक को गांव में लगभग 350 वोट मिलेंगे इस गांव में। इस टोटल कितने गांव में? 625 की पोलिंग है, लेकिन 60% मतदान हो पाता है उसमें, 350+ मिलेंगे। तो टोटल कितने पड़ जाएंगे? लगभग पड़ जाएंगे 425 वोट। तो बाकी का दूसरी पार्टियों में चला जाएगा, बाकी 100 वोट जाएंगे सपा में। तो आपने देख ले यहाँ पर इन्होंने जो बताया है कि वोट परसेंट भी बता दिए और कितना किसको जाएगा, जो हम इसलिए गांव में घूम रहे हैं हालांकि, जिससे कि पूरी हकीकत पता लग जाए कि आखिर गांव की स्थिति क्या है। तो हम आपको और भी थोड़ा गाँव बचा है उसमें भी जानकारी लेके दिखाएंगे आखिर डांडे के लोग किधर जा रहे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। तो अब की बार चुनाव नाव का माहौल किधर ज्यादा रहेगा? सबसे ज्यादा भाजपा को रही है। अच्छा, आप किधर जा रहे हैं? हम तो भाजपा में जा रहे हैं। अच्छा,
भाजपा हमारी है और भाजपा का माहौल गर्म है, बहुत तेज है। अच्छा, मसाले गर्म मसाले ज्यादा तेज है, गर्म मसाले ज्यादा तेज है। तो योगी जी फिर बनेंगे दोबारा, बनाएंगे दोबारा जो पूरा डाल हुआ योगी को। अच्छा, और यहाँ से सतपाल सिंह राठौड़, सतपाल सिंह राठौड़ तो जाएंगे फूला में। अच्छा, वो जीतेंगे यहाँ से? जीतेंगे। अच्छा, हाँ भैया आप बताइए क्या लगता है, इस पर बदलाव होगा या फिर सरकार यही आएगी? यही सरकार, यही दोबारा, यही 300 से पार। अच्छा, आपको क्या लगता है? क्या हमें तो यही लगे, तो मोदी जीते हैं, सत्यपाल जीते हैं, और कौन हराने वाला है? सब लोग एक ही बात बोलते हैं पूरे गांव में, पूरे गांव में का पूरा गांव है। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है, सरकार कौन सी बढ़िया चली है? कौन सी? मोदी की चली बढ़िया, यही जो चल रही है। हाँ। तो दोबारा वोट इसी को जाएगा? हाँ। राशन आसन मिल रहा है इसलिए? हाँ। और क्या, कौन सा काम बढ़िया आपको लग रहा है? शौचालय वगैरह मिला है घर में? नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला है? तो होगा घर में? नहीं है। है नहीं? और आवास वगैरह कुछ नहीं? मकान है, तो होगा ना? मकान तो भाई जो का छप्पर ऊपर होता है। ये छप्पर पड़ा यही है? जाए है चौका वासन जो है। अच्छा, तो क्या आपने हम बोला नहीं था प्रधान वगैरह? प्रधान यहाँ के मरी गए हैं, सब है ना आए, माने गए मौजूदा है कौन आई है। अच्छा, इसलिए ना यहाँ कुछ मिलती है। तो आप तो ज्यादा नाराज हैं? हम बहुत विकट नाराज हैं, हमें यहाँ दिल्ली सरकार को एक रुपया की किस्म आए मिलन। अच्छा, विधायक जी आए थे गांव में वोट मांगने? हमारे द्वारे नहीं आए, गांव में आ चुके हैं। गांव में नहीं आए भाई। हाँ। जब आए तब उनसे बोल आए सो चमचा, हमारे द्वारे आने नहीं देते हैं, जो कहते जे वोट नहीं देंगे सतपाल सिंह को। लेकिन वोट उन्हें दियो? वोट उन्हें कर दी, पर जे चमचा मरे जाता है। मेरे चैनल के माध्यम से अगर बात, मेरे चैनल के माध्यम से बात विधायक जी तक पहुँच जाएगी तो आपकी जरूर सुनेंगे। हाँ, सुना या ना सुना, वोट सतपाल सिंह को देंगे, फिर चमचा मरे जाता। हाँ, तो बताइए क्या लगता है इस बार कौन यहाँ से जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, ये चुनाव उनाव कब की बार माहौल कैसा है इधर? बढ़िया है इधर, योगी मोदी के वोट है। योगी मोदी के हैं? हाँ। तो योगी मोदी को ही जाएगा वोट? हाँ, योगी मोदी के जाएगी वोट। अच्छा, क्या क्या मिला है योगी मोदी सरकार? गैस सिलेंडर फ्री मिलो, राशन आपको मिला है फ्री? हाँ। राशन मिल रहा है? राशन पूरा मिल रहा हूँ। अच्छा, और का तो और क्या और सुविधा कौन सी? पहले कौन सी, पहले ये सरकारों में नहीं मिलता था राशन? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मिला है सो बोल रहे। आपको क्या लगता है आप किधर जाएंगे? मोदी योगी में जाएंगे। मोदी योगी को? और हाँ, आप बताइए क्या लगता है इस बार सपोर्ट किसको कर रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को? और सत्यपाल जी को। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं? निकल गए, कोई रोकने वाला नहीं है, जीत गए, जीत गए। बाकी लोग प्रचार कर रहे हैं बंद कर देंगे? हाँ, प्रचार कहियो बंद कर दो, घर बैठो कहियो पत्थर धरे गए। अच्छा, जिंदाबाद। आ रहा है सही वीडियो? हाँ भैया, नाम क्या आपका? मेरा नाम अजीत है। तो अजीत जी, क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए? अरे सरकार बन रही तो बन रहेगी, पहले ये नाल पानी देखो कितना गंदा है यहाँ, बस भरा कहीं निकास है पानी का। अच्छा, ये आपका घर यहीं पे है? यही घर है। इधर दिखा देना भैया, इधर जो नाला है, ये जो पानी भरा हुआ है, तो आपका ये कहने का मतलब है इस पानी का निकास किया जाए? हाँ, पानी का निकास किया जाए। बाकी फिर किसको देंगे अगर पानी का निकास? पानी निकास हो जाए तब बाद में देंगे, तो वोट पहले पानी निकास दो। अच्छा, ही अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं? हम बाली बच्चे जब गिरफ्त नहीं रहे तो बाली बच्चे तो कपड़ा खराब करते रहे ठंडे में। सही बात है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा, छोटे छोटे बच्चे हमारे, तो इसी से बहुत परेशानी, बहुत परेशानी है। तो फिर और बाकी काम सही हो रहे हैं सरकार में? इसमें काम सब सही है भाई, हमें नाली वाली बन जाए, और क्या करना, नाली बन जाए बस खुश हो इसी में। और का। अच्छा, आप बताइए आप क्या समस्या, कुछ बताएंगे गांव की या फिर? बहुत बढ़िया समस्या है, भाजपा जीतेगी यहाँ, भाजपा जीतेगी जी, सतपाल सिंह की समस्या लोग बता रहे हैं ये सही में, वो तो चलती रहती है, बन जाएगी नाली भी। समाधान क्यों नहीं हुआ अब तक? बहुत सालों से ये तो होगा अब तक, वो तो है, दो तीन महीने पहले हो गया या फिर हर समय रहता पानी? बारिश में ही हो जाता है, अभी भरा है उसका, हो जाएगा। अच्छा, समाधान हो जाएगा जी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। तो विक्रम सिंह जी, क्या लगता है इस बार आप किसको बना रहे हैं यहाँ से विधायक? सतपाल सिंह राठौर को बना रहे हैं। सतपाल सिंह राठौर जी जी। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने पूरे डाड़े गांव का माहौल दिखाने की कोशिश की है कि आखिर डाड़े में क्या माहौल है। आपने देखा है, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है कि घर घर जाकर गांव गांव वो गली गली में कि लोगों के मन में क्या है। हम आगे और भी गांव में जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। न्यूज़ 8 24 को आप देखते रहिएगा कि आपको हर वो सच दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। मैं यहीं पर अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, अगले दिन किसी और गाँव में फिर जाऊँगा।